मोदी सरकार में मंत्री रहे। रामविलास पासवान के निधन के 8 महीने भी नहीं गुजरे हैं कि पार्टी पर भाई पशुपतिनाथ पारस ने कब्जा कर लिया है और बेटा चिराग पासवान का राजनीतिक चिराग बुझने सा लगा है। आज चिराग ने चाचा पर धोखा देने का आरोप लगाया तो चाचा पशुपति पारस ने भतीजे पर तानाशाह होने का आरोप जड़ दिया। पासवान की पार्टी में चाचा वर्सेस भतीजा का जंग क्या है जरा समझिए। सारा झगड़ा संसदीय दल के नेता पद के लिए हुआ है जो 2 साल पहले चिराग को मिल गया था और ये बात पशुपति पारस को उस वक्त भी रास नहीं आई थी। वैसे ही जब पार्टी की बागडोर भी रामविलास पासवान ने बेटे को दे दी थी तो पशुपति पारस को ये भी अच्छा नहीं लगा था कि भतीजे को इम्पोर्टेंस मिल रही है। फिर रामविलास पासवान के देहांत के बाद चाहे बिहार विधानसभा के चुनाव हो या दूसरे मामले, चिराग के एकतरफा फैसले से भी पशुपति पारस को दिक्कत हो रही थी। और चाचा इस बात को भी नहीं भूले थे कि उनको बिहार प्रदेश LJP के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और वो ये इल्जाम चिराग पर लगाते हैं। अब मौका मिला तो चाचा ने चौका लगा दिया, बीमार भतीजे को अपनी ही पार्टी में आइसोलेशन में डाल दिया और पार्टी अपनी मुट्ठी में कर ली। मैं अनाज शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग, चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? राजनीति में संभावनाओं का एक दरवाजा भावुकता के आंगन में खुलता है। पार्टी में तख्ता पलट के 3 दिन बाद मीडिया से जब चिराग रूबरू हुए तो पार्टी टूटने और अपनी सियासी पूंजी गंवाने की कसर चिराग की जुबान पर साफ साफ दिख रही थी, जबकि चाचा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना, भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएं और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। पासवान जी अब नहीं रहे, हमारे बड़े भाई साहब नहीं रहे, उसके बाद से पार्टी में तानाशाह हो गया। ये सब लोग जानते हैं कि एक बाहर का लड़का आया, मैं उस लड़के का नाम नहीं बताऊंगा, वो बाहर का लड़का आया और डिक्टेटरशिप पार्टी में और परिवार में करने लगा। लेकिन राजनीति भावनाओं से ज्यादा संभावना से चलती है, इसलिए चिराग ने भी आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। उसमें पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता पद से हटाकर खुद को संसदीय दल का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया। चिराग बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर किसी और का दावा क्यों नहीं हो सकता। पार्टी में, पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है। उधर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर चिराग के बागी चाचा पशुपति पारस पर समर्थकों ने जिस तरह पुष्प वर्षा की उससे वो बेहद खुश नजर आए और इतना साफ है कि अब उनके कदम भतीजे की गुहार नहीं सुनेंगे बल्कि किसी बड़ी मंजिल की तलाश में निकल चुके हैं। चाचा भतीजे आपस में भिड़े और दोनों गुट के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को लेकर सड़कों पर उतर गए। दिल्ली में पशुपति पारस के घर के पास चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पोस्टर पर कालिक पोती तो पटना में LJP दफ्तर के बाहर पशुपति को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे का इंतजाम किया, पशुपति पारस को बधाई देने वाले पोस्टर लगाए। देखा जाए तो पटना वाले दफ्तर पर पशुपति पारस का ही प्रभाव दिख रहा है, वैसे भी वो घर पशुपति पारस के ही नाम पर आवंटित है। JDU पर चिराग ज्वालामुखी की तरह दहक उठते हैं लेकिन BJP को लेकर अब भी पहले की तरह ही नरम है। पार्टी में तोड़फोड़ के लिए वो नीतीश सरकार को जिम्मेदार मानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में अपनी आस्था को राम में हनुमान वाली आस्था बताते हैं। हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। चिराग पासवान ने ये लड़ाई अब कानूनी तरीके से आगे बढ़ाने की बात तो कही ही, उसके साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेला। चिराग पासवान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम और हनुमान का भी जिक्र किया तो यहां तक कह दिया कि पिता की मौत के बाद अनाथ नहीं हुआ। चिराग का कहना है कि पिछले कुछ समय से वो बीमार थे
और इसी बीमारी के दौरान चाचा ने उनको धोखा दे दिया। चाहे पशुपति पारस के घर सोमवार को जाने वाली तस्वीर हो या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिराग के हाथ में बैंडेज और वीगो लगे हुए हैं। राजनीति में कई बार भाव से ज्यादा भंगिमाओं की अहमियत होती है। पटना में निधि श्री के साथ दिल्ली संकेत गुप्ता और प्रशांत की रिपोर्ट। राजनीति में एक फैसला अगर आपको फर्श से अर्श पर ला सकता है तो एक फैसला आसमान की बुलंदियों से पथरीली जमीन पर पटक सकता है। चिराग पासवान इसके सबसे सटीक उदाहरण है। कैसे? जिस चिराग के हाथों में पार्टी से लेकर सांसदों तक की बागडोर थी, उनकी पैरों तले जमीन कैसे खिसक गई, इसको जरा समझिए। नीतीश का घनघोर विरोध करने में अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं की चिराग ने नहीं सुनी। दूसरी तरफ बीजेपी पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा भरोसा कर लिया। आज भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया था चिराग ने, लेकिन बीजेपी के लिए इस वक्त नीतीश ज्यादा अहम है क्योंकि सरकार नीतीश कुमार बिहार में चला रहे हैं। फैसला लेने में पार्टी से राय मशवरा ना करना भी चिराग को महंगा पड़ा। अपने करीबी दोस्तों के साथ राय मशवरा करते थे, यानी वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए। उनको लगा कि वही पार्टी है। जबकि होली के दिन अपने चाचा पशुपति पारस को चिट्ठी लिखी तो उनको पता था कि पार्टी में असंतोष बहुत ज़्यादा है, फिर भी ढाई महीने में बगावत हो गई और वो संभाल नहीं पाए या कोशिश की और असफल हो गए। चिराग पासवान एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है चिराग का रोजगार। अब उनकी राजनीतिक गलतियों ने देखा जाए तो उनको ही राजनीतिक रूप से बेरोजगार बना दिया है। सत्ताईस साल की उम्र में हीरो श्री चिराग कुमार पासवान जी, 30 साल की उम्र में सांसद मैं चिराग कुमार पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। 35 साल की उम्र में LJP संसदीय दल के नेता और 35 साल की उम्र में ही LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतना शानदार करियर ग्राफ रहा रामविलास पासवान के तख्त चिराग चिराग पासवान का। लेकिन 12 जून तक, 13 जून से पिता की विरासत के बोझ तले बेटे का सियासी चिराग बुझने लगा। जिन 5 सांसदों का नेता चिराग को चुना गया था, उन सांसदों की बगावत ने चिराग को राजनीति में पैदल कर दिया। सचिवालय है, वहाँ से आदेश जारी हुआ, नोटिफिकेशन हुआ कि जो 6 सांसद हम लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, उसके जो सदन के नेता होंगे, पहले श्री चिराग पासवान जी थे, अब उन पर आरोप लगाया गया तो उनको हटा करके मुझको बनाया गया। पिता रामविलास पासवान से चिराग को विरासत में सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन उस विरासत को संभालने की राजनीतिक सूझबूझ दिखी नहीं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से 3 हफ्ते पहले रामविलास पासवान की मौत हो गई। अध्यक्ष भले चिराग 2019 में ही बन गए थे, लेकिन पार्टी पर आखिरी हुक्म पासवान का ही चलता था। लेकिन पिता की मौत होते ही चिराग ने अजीबोगरीब फैसला किया और उस एक फैसले ने उनकी सियासी नैया को डुबो दिया। वो फैसला था कि चिराग बिहार में NDA में रहेंगे भी और नहीं भी रहेंगे। वो फैसला था कि चिराग बिहार में BJP के लिए लड़ेंगे, लेकिन BJP के सहयोगी JDU के खिलाफ लड़ेंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। लेकिन चिराग का ये फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। चिराग को लगा था कि पिता रामविलास पासवान के नाम पर सहानुभूति वोट मिल जाएगा, लेकिन पार्टी बस एक सीट पर सिमट गई। चिराग का मंसूबा था कि इतनी सीट ले आते कि BJP के साथ मिलकर सरकार बना लेते और JDU बाहर हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भी कहा जाता है कि चिराग अपने पिता की खाली राज्यसभा सीट अपनी माँ के लिए चाहते थे, लेकिन JDU तैयार नहीं हुआ और ये प्लान भी अधूरा ही रहा। रामविलास पासवान की जगह मंत्री बनने का भी ख्वाब था, लेकिन अब इसकी भी गुंजाइश खत्म हो गई है।
नीतीश विरोध से चिराग बीजेपी के बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी बनना चाहते थे, लेकिन बिहार एनडीए की बैठक में इनको बुलाया तक नहीं गया क्योंकि नीतीश की पार्टी ने वीटो लगा दिया था। चुनाव में अकेले लड़ना और नीतीश के खिलाफ लड़ना दोनों ही फैसले चिराग के थे, लेकिन न पार्टी राजी थी न चिराग के चाचा पशुपतिनाथ पारस। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ विकास पुरुष में। दरअसल चुनाव के दौरान भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसने चिराग को एक फ्लॉप एक्टर ही साबित किया। पिता की तस्वीर के आगे खड़े होकर वो भावुक अपील करते कि उससे पहले वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें चिराग बालों का टेक्सचर देख रहे थे। अरे भाई टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का, हर किसी के बाल का टेक्सचर, तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? ये भाई अब आप करोगे ना कट एडिट, आप करोगे आगे पीछे आप करोगे, है ना? आप बोलते जाए यार। चिराग बालों का हाल समझ गए, लेकिन बाल की खाल सूंघनी पड़ती है कि कहीं बगावत की बू तो नहीं आ रही। लेकिन चिराग अपनी पार्टी के ब्लैक बोर्ड पर लिखी उस इबारत को नहीं पढ़ पाए, न फरवरी में जब इकलौते विधायक को नीतीश अपने पाले में ले गए और साथ ही पासवान के करीबी कई नेताओं को, और न ही तब भाग पाए जब इतवार के दिन ही चाचा ने पार्टी से भतीजे की छुट्टी कर दी। ABP News, आपको रखे आगे।